हाँ, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश ग्रामर। देखिए, ट्वेल्थ के जितने भी छात्र हैं उनके लिए खुशखबरी है कि मैं एक कंप्लीट कोर्स बनाने जा रहा हूँ जो सही बच्चों के लिए फ्री होगा। इसमें कोई चार्जेज नहीं लेंगे और टोटल जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिस पैटर्न पे पूछे जाते हैं, किस किस तरीके से पूछे जाते हैं, ग्रामर का हो या लिटरेचर का हो, सही प्रकार के क्वेश्चन एक कोर्स में बनाकर डाला जाएगा जिसके अलग अलग प्लेलिस्ट होंगे। आप सभी लोग से एक आशा रहेगी कि वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में आप शेयर करें ताकि वे जितने ही बच्चे हैं लाभान्वित हो सके। चलिए, आज जो हम आपको बतलाने वाले हैं वो पोएट्री सेक्शन का प्रथम चैप्टर है जिसका नाम है स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो। देखिए, हर चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स, क्वेश्चंस और जितने भी समरीज होंगे वो सब बतलाए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर एक है, कहता है कि डैश हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज अ मेटाफिजिकल पोएट। किसे मेटाफिजिकल पोएट के नाम से जाना जाता है या मेटाफिजिकल पोएट के रूप में जाना जाता है? तो आपके पूरे कोर्स में मेटाफिजिकल पोएट के रूप में एक ही व्यक्ति को जाना जाता है जिसका नाम है जेन डन। जेन डन को मेटाफिजिकल पोएट्री का लीडर या पायोनियर कहा जाता है। देखिए, लीडर या पायोनियर जो होता है, जिसका मीनिंग होता है हिंदी में नेता या प्रनेता या अगुआ, जो अगुवाई करता हो यानी जिसका शुरुआत करता हो, उसे हम लीडर कहते हैं या पायोनियर कहते हैं। देखिए, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर दो में। क्वेश्चन नंबर दो में कह रहा है कि जॉन डन वाज बॉर्न इन डैश, यानी जॉन डन का जन्म कब हुआ था? तो जॉन डन का जन्म हुआ था 1572 में, यानी 1572 ईस्वी में, और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1631 में, यानी 1631 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी और 1572 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर तीन है। इसमें कह रहा है कि द पोएट जॉन डन इज बेटर देन द डैश, यानी इसमें जो कवि जॉन डन है वे किस चीज़ से बेटर है? तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा सन। ऐसा क्यों होता है? जब पोएट अपने प्रेमिका को छोड़कर समुद्री यात्रा पर जा रहे थे तो वे बहुत उदास थे, वे नहीं चाहते थे गाना, है ना। लेकिन उस समय वे कहते, अपने प्रेमिका को समझाते हैं कि सूरज के पास कोई सेंस नहीं है, कोई शॉर्ट वे नहीं है, तब वो समय से अपने जगह पे उगता है और डूबता है, तो मैं तो इंसान हूँ, मेरे पास तुम्हारे लिए सेंस है, है ना, तो मैं उससे तेज़ यात्रा करके तुम्हारे पास आऊँगा। यानी वे तेज़ यात्रा करने का मतलब ये हो गया कि वे बेटर थे, तभी तो वे तेज़ यात्रा करके आ सकते थे। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि द पोएट जॉन डन इज बेटर दैन द डैश, यानी सन। इसमें ऐसा भी हो सकता है, कह सकता है कि जॉन डन जो थे वो स्पीड यात्रा करके, यानी सूरज से ज़्यादा स्पीडियर, है ना, जर्नी करके वे आ सकते थे। इसीलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि जॉन डन सूरज से बेटर थे। आगे है क्वेश्चन नंबर चार, कहता है कि स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो हैज बीन रिटन बाई डैश, यानी स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो किसके द्वारा लिखा गया है? तो आपको पहले से पता है कि इसके लेखक कौन है, जॉन डन है। अब क्वेश्चन नंबर पांच को देखिए, इसमें कह रहा है कि द पोएट इन स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो इज डैश हिज बिलवेड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सैड फॉर। पहले बताया गया है कि इसमें जो कवि है वो अपने प्रेमिका को छोड़कर कहाँ जा रहा है, समुद्री यात्रा पर जा रहा है, तो वो उदास है, वो नहीं चाहता है जाना, लेकिन उसकी मजबूरी है जाना, तो इसीलिए अपने प्रेमिका को छोड़कर जा रहा है। तो अपने प्रेमिका को बतला रहा है कि मैं जा तो रहा हूँ लेकिन मैं जाना नहीं चाहता हूँ, मैं उदास हूँ, हमारी मजबूरी है कि मैं जा रहा हूँ और तुम्हें छोड़कर जाने में हमको अच्छा नहीं लग रहा है, मैं उदास बहुत हूँ, तुम्हें छोड़कर मैं नहीं जाना चाहता हूँ। आगे है, कह रहा है कि डैश बिलवेड सेज दैट सी हैज़ अ ग्रेट लव फॉर हिम। इनमें से किनकी प्रेमिका कहती हैं कि उनके लिए, उनके प्रेमिका के दिल में बहुत प्यार है? तो इसमें जॉन डन की प्रेमिका कहती हैं कि जॉन डन के प्रेमिका के पास जॉन डन के लिए, उनके हृदय में, उनके प्रेमिका के हृदय में बहुत प्यार है। आगे है सात नंबर क्वेश्चन में, कह रहा है कि जॉन डन फील्स दैट अ डैश इज वेरी होपलेस।
जनरल महसूस करते हैं कि कौन जो है वो बहुत ज़्यादा आशाहीन है, तो मैन को बतलाते हैं आशाहीन। वे एक और बात कहते हैं कि मनुष्य की शक्ति बहुत कमज़ोर है, तो वे इस कविता में मनुष्य को कमज़ोर भी कहते हैं और दूसरा आशाहीन भी कहते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन हो गया, अब 8 नंबर को देखते हैं। 8 नंबर में क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि जॉन डन हैड सीन द सन सेटिंग डैश नाइट, इसमें क्या हो जाएगा, यस्टर नाइट हो जाएगा। देखिए ये यहाँ पे आंसर यस्टर नाइट क्यों होगा, जब जॉन डन अपने प्रेमिका को समझा रहे थे तो बतला रहे थे कि सूरज के पास ना ही कोई सेंस है ना ही उसके पास कोई शॉर्ट वे है, वह सुबह में क्या करता है ईस्ट में उगता है ना, और क्या करता है वेस्ट में डूबता है ना। तो वे बताते हैं कि सुबह में यहाँ ईस्ट में और शाम में क्या डूबता है वेस्ट में डूबता है, यानी शाम का मीनिंग, यानी यहाँ पर नाइट हो रहा है, यहाँ पर शाम का मीनिंग क्या हो रहा है नाइट हो रहा है। तो यहाँ पर कहते हैं कल रात जो सूरज यहीं से डूबा था और फिर आज यहीं पे आ गया है, इसका मतलब है कि वे ये बतलाना चाहते अपने प्रेमिका को कि सूरज जो है नियमित समय से डूबता और उगता है। तो उस कविता में चर्चा की गई यस्टर नाइट वर्ड का, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यस्टर नाइट हो जाएगा। चलिए 9 में क्या कह रहा है, 9 में कह रहा है कि डैश वांट्स टू ग्लैडली एक्सेप्ट डेथ, कौन खुशी खुशी अपनी मृत्यु को स्वीकारना चाहता है। तो इनमें से देखिए एक तो रूपर्ट ब्रूक आपको लगेगा, क्योंकि रूपर्ट ब्रूक भी देश के लिए खुशी खुशी मरना चाहते हैं, है ना। तो जैसे क्वेश्चन बनाया गया है ना, तो इसमें एक और चीज़ ऐड कर दिया जा सकता था कि डैश वांट्स टू ग्लैडली एक्सेप्ट डेथ इन स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, वहाँ पे क्लियर कर देगा। नहीं तो देखिए रूपर्ट ब्रूक एक सैनिक थे, वो भी अपने देश के लिए मरना चाहते थे खुशी खुशी, और जॉन डन भी मरना चाहते थे, तो आप कंफ्यूज ना करेंगे। इसलिए क्वेश्चन में निश्चित रूप से यहाँ पे इस प्रकार से चैप्टर क्लियर किया गया होगा। तो यहाँ पे अगर स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो होगा तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, जॉन डन हो जाएगा। अब 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ पे कह रहा है कि जॉन डन बिलोंग्स टू डैश रिलीजन, जॉन डन किस धर्म से आते थे, तो वो कैथोलिक धर्म से आते थे और इन्हीं धर्म के कारण उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा था। आगे है, कहता है कि 11 नंबर क्वेश्चन है कि जॉन डन इज अ डैश पोएट, जॉन डन किस प्रकार के कवि थे, तो एक मेटाफिजिकल पोएट थे, क्योंकि ये मेटाफिजिकल पोएट्री के फादर कहे जाते हैं, लीडर कहे जाते हैं। आगे क्वेश्चन है, कहता है कि जॉन डन डायर इन डैश, यानी जॉन डन की मृत्यु कब हुई थी, तो जॉन डन की मृत्यु जो हुई थी 1631 ईस्वी में हुई थी। चलिए आशा करते हैं कि आपको यह प्रश्न अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा।